हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं चालिया, और हम सिंधी लोग का चालिया आज से मतलब एक दिन पहले से चालू हो चुका है, तो मैं कल नहीं जा पाया था तो आज मैं जा रहा हूँ। चलो चलते हैं चालिया। तो गाइस देखो, हम लोग गेट के इधर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कितना डेकोरेट किया हुआ है अच्छे से। और देखो वहाँ पे मेन गेट है और वहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर। और देखो गाइस, हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे मैं अभी वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड था। और ये 40 डेज़ का चालिया होता है जो हमारी सिंध पाकिस्तान से जोत लाई थी सिंधी भाइयों ने। और अभी हम लोग जा रहे हैं उधर माथा टेकने, वही जोत का माथा टेकते हैं हम लोग। और इसका 40 डेज़ बहुत केयर किया जाता है, और पहले भी मतलब हर बार केयर ही किया जाता है, पर अभी 40 डेज़ हमारे सिंधी भाइयों के मेन होते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो निकालना यहाँ पे अलाउड है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत ही दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना माथा टेकने में बिज़ी था। और यहाँ पे वीडियो मेरे हाथ में कैमरा भी था ना, वो बहुत हैवी था और मेरे हाथ में बैठ भी नहीं रहा था। 2-3 बार तो कैमरा मेरे हाथ से गिर गया। देखो जितना भी मैं आपको दर्शन करवा पा रहा हूँ, जो भी सिंधी भाई हमारे नहीं आ पा रहे वो अपने हमारे वीडियो के थ्रू दर्शन कर लो मेरे वीडियो के थ्रू। और हो सके तो आप आओ यहाँ पे दर्शन करो, आपको पता ही होगा कैसा है। और यहाँ पे देखो सब भगवान की प्रतिमा मतलब मूर्ति थी, देखो हर एक भगवान की, कृष्णा जी की, स्वामी जी की, और ओम साई राम जी की, और भोलेनाथ जी की, झूलेलाल जी की। और यहाँ पे हम लोग अभी आ गए शावर के दिन। यहाँ पे आपको पता ही होगा हम लोग का 40 डेज़ कंप्लीट हो जाता है, तो 40 डे पे हम लोग यहाँ पे आते मटकी डालते हैं, आपको कुछ तो पता ही होगा। और वहाँ पे हम लोग डालते अखा अपना सिंधी लोग का, वो सिंध नदी का पानी है पाकिस्तान से जो लाया जाता है हर बार यहाँ पे। और देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी वहाँ पे अखा डालने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे एक अपन थोड़े वो चावल डालते हैं उस पर विश पूरी होती है हमारी, ऐसा बोलते हैं। और देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे, वहाँ पे झूलेलाल जी की मूर्ति है, देखो कितनी प्यारी है। और अभी हम लोग सिनेमेटिक